हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए। दोस्तों, आज से आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है करंट अफेयर का। करंट अफेयर की पहली क्लास है 7 अप्रैल की, तो करंट अफेयर की क्लास ज़रूर लेते रहें, लेकिन एक साथ फिर आपका करंट अफेयर अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आपको समस्या हो सकती है। धीरे धीरे आपकी सारी करंट अफेयर भी कंप्लीट हो जाएंगी और साथ ही साथ एग्ज़ाम से पहले ये रिवीजन भी करवा दूंगा मैं। पूरे करंट अफेयर के लाइव सेशन जितने हैं उनके मैराथन क्लास करवा दूंगा। तो पहली क्लास ये, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुँच सके और भी लोग छोड़ पाएँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम को लेकर के अपडेट आ गई है कि आपका जो एग्ज़ाम है, यानी जो परीक्षा है, वो जुलाई में कराई जाएगी, जुलाई के फर्स्ट वीक में। तो चलिए अब सेशन को स्टार्ट कर लीजिए। ये देखिए, पहला क्वेश्चन ये आ गया आपके स्क्रीन में। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, इसमें कह रहा, लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र पाने वाली पहली महिला कौन बनी। लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र पाने वाली पहली महिला कौन बनी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, फातिमा बानो। फातिमा बानो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर है, यहाँ पर है अर्थ शॉट। क्या है? अर्थ शॉट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, 2021 से किसे सम्मानित किया गया। सेकंड पे सही आंसर आपको ध्यान रखना है, विद्युत मोहन को अर्थ शॉट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा नंबर है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किसने लॉन्च किया? दिल्ली ने लॉन्च किया, लक्षद्वीप ने लॉन्च किया, चंडीगढ़ ने, या जम्मू कश्मीर ने। सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर चौथा नंबर है। चौथे नंबर में आपसे पूछा गया है कि माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको डेली करंट अफेयर के सेशन मिलते रहेंगे। चौथा नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कर लेंगे, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क। माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम बदल करके माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन पांचवा नंबर है, कर्नाटक बैंक लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। पांचवें नंबर पे सही आंसर आपको कर लेना है, प्रदीप कुमार पांजा। प्रदीप कुमार पांजा कर्नाटक बैंक लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। छठा नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में, किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि वह स्कूलों से आरोग्य वाटिका स्थापित करेगी। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, या दिल्ली। छठे पे सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी कर लेना है, उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सातवां नंबर है, कौन सा देश छठवीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बन चुका है। सेवन नंबर पे सही आंसर आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जापान है, जो कि छठवीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बन चुका है। अगला क्वेश्चन आठवां नंबर है, बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया के नए मुख्य कोच नियुक्त किया। बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया के नए मुख्य कोच नियुक्त किया। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राहुल द्रविड़ को बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए मुख्य कोच नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नवा नंबर है, किस ने हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज जीता। नवे नंबर पे सही आंसर बी कर लेंगे, रश्मि माधुरी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दसवां नंबर है, सी के प्रहलाद पुरस्कार 2021 यानी 2021 किसे सम्मानित किया गया। दसवें नंबर पे सही आंसर हो जाएगा, सत्य नडेला को सी के प्रहलाद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन ग्यारहवां नंबर है, भारत में आकाशा एयरलाइंस कौन चला रहा है। भारत में आकाशा एयरलाइन कौन चला रहा है। तो ग्यारहवें पे सही आंसर आपका हो जाता है, राकेश झुंझुनवाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बारहवां नंबर है, गर्भपात की समस्या
सीमा बढ़ाकर कितने समय कर दी गई है? गर्भपात की समय सीमा बढ़ाकर क्या कर दी गई है? 12वें नंबर पे सही आंसर कर लेंगे 24 सप्ताह। गर्भपात की समय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 24 सप्ताह। ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में 13 नंबर। हाल ही में किस राज्य ने अन्नोत्सव योजना की शुरुआत की? 13 नंबर पे सही आंसर कर लेंगे उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन ये रहा 14 नंबर, कोलकाता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? 14 नंबर पे सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 15 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत की? हाल ही में किसने भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत की? 15 नंबर पे सही आंसर आपका ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है इस लाइव सेशन का, 16वें नंबर पे बताएंगे आपका सही आंसर क्या होगा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में किसे देश ने टॉप किया? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में किस देश ने टॉप किया? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में टॉप किसने किया? तो 16 नंबर पे सही आंसर आपको ध्यान रखना, आयरलैंड ने टॉप किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले लाइव सेशन में, जो कि आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी 10 बजे से। जय हिंद सभी को। क्लास कैसी लगी लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। जय हिंद।